Are you okay? Mister, are you okay? Mister, are you okay? Are you okay, mister? बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। अब किस दिशा जाऊं? मैं चला जाऊंगा। जा। तो देव संजो, अब हम जा रहे हैं और कल से ये मंच नहीं सजेगा। सरक सरक उधर। अब बहुत हो गया। हम रोटेट मार के जोन में जाएं क्या? चलिए शुरू करते हैं। तो और मेरे पबजी लाइट वाले भाइयों, तो कैसे यार आप सभी लोग? तो बस आ चुका हूं एक और वीडियो लेके। मुझे पता आप लोग भाई अपडेट का इंतजार करो, आपका भाई कमेंट भी यही आते हैं भाई अपडेट कब तक आएगा। भाई 20 तारीख भी निकल चुका है और भाई लोग देखो भाई 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं पिछले वाले अपडेट को। और भाई हमेशा तो तुम्हें पता ही रहता भाई 3 महीने बाद हमें नया अपडेट देखने को मिल जाता, बट इस बार तो भाई 4 महीने हो चुके हैं लेकिन अपडेट देखने को नहीं मिला। मैं कैसे आपको बता रहा, थोड़े सा और इंतजार कीजिए, आपको भाई जल्दी अपडेट देखने को मिलेगा। बट कैसे हम भाई अपडेट का इंतजार इसलिए करते हैं अभी के टाइम में कि हमारी जो गेम की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। जैसे अभी के टाइम में भाई गेम में हैकर आते, आरपी चली गई, बीसी चली गई, ये सब कुछ भाई फिर से ठीक हो जाए तो हम अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है इसीलिए। और पहले तो भाई हम अपडेट का इंतजार करते थे भाई, कुछ नया देखने को मिला गया। जैसे गाइस पबजी लाइट में पुराने टाइम पर आपको पता था जब भाई टेंसेंट गेम संभालती थी भाई अच्छे अच्छे लॉबीज देखने को मिलती थी, अच्छे अच्छे मतलब सब कुछ भाई चेंजेस होते रहते थे अपनी गेम में। बट अभी के टाइम में भाई कुछ भी चेंजेस नहीं होता भाई। 2022 में शायद कुछ अच्छा सा अपडेट आया होगा, बाद में तो कुछ भी हमें नया देखने को नहीं मिला। जो 2023 में भाई लेवल इन्फिनाइट ने भाई देखना स्टार्ट कर दिया गेम को, उन्होंने भाई वर्जन चेंज करे और गेम के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करे। जो अभी के टाइम पर भी भाई पबजी लाइट ऐसे चल रहा है जैसे भाई चलता रहा, बस हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है और दूसरे अपडेट में हम उम्मीद करते हैं भाई उस वाले अपडेट में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जैसे भाई 2023 में भाई क्रेश प्रॉब्लम भाई कितनी चली थी और अब जाके भाई 2024 के अपडेट में ठीक हो चुकी है। लेकिन भाई 2024 का एक और अपडेट आएगा जो 0.28.0, हम इसका इंतजार करें। इसमें गाइस देखो एक तो चेंजेस ये हो सकता भाई 2024 का लोगो चेंज हो सकता है जो गाइस आपको भी पता होगा, बट इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा और शायद कुछ अलग से चेंज हो तो उसका पता नहीं। और भाई गेम की प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए, जैसे भाई एंटी चीट सिस्टम भाई पूरी तरह से लागू हो जाए तो भाई हैकरों को साफ सफाई हो जाएगा। और अगर पबजी लाइट डेवलपर्स भाई मतलब अपडेट पर काम कर रहे हैं तो भाई आरपी को भी वो फिक्स कर सकते हैं और भाई पबजी लाइट में 5 बीसी का ऑप्शन फिर से आ सकता है। जो गाइस बंदे ऐसा मानते भी, आपको भी पता 5 बीसी का ऑप्शन पहले भी हटा था और फिर से वापस आ गया। तो भाई लोग आप इस पे क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। अभी के टाइम में अपडेट आते हैं बस वर्जन चेंज होते हैं। तो भाई लोग मैं आप लोगों के लिए छोटा सा गेम प्ले लेके आ चुका और सारी गेम प्ले भाई लोग आज तक जरूर देख के जाना, आपको देख के एकदम मजा आ जाएगा भाई क्या हैकरों को निपटा के भाई चिकन डिनर ले पाता या फिर नहीं, तो लास्ट तक जरूर देख के जाना। तो मैं खेला था डुओस स्क्वाड और आज आ चुका भाई विलेज के नीचे एक साइड, तो भाई जल्दी से पहले अपने लूट कंप्लीट कर लेता। मैं सोचा था भाई इधर की तरफ बंदे आएंगे तो भाई जल्दी से गन ढूंढ लेते, बट भाई इधर की तरफ एक भी बंदा नहीं आता। तो भाई मेरे को यहाँ पे शॉटगन और स्कारल तो मिली जाती है, मैं अच्छी खासी भाई लूट कंप्लीट करके जा रहा था। तो भाई स्क्वाड हाउस की तरफ कुछ बोर्ड दिखते हैं तो भाई पहले इन्हें निपटा लेता हूँ।
तो चलो भाई वोट की तो पेटियां बना दी, अब चलते हैं भाई रियल बंदों को ढूंढने। आगे जाके भाई मेरे को M4 और शॉटगन अच्छी खासी कॉम्बो तो भाई मेरे को मिली जाती है। तो भाई चलो चलते हैं स्टेडियम वाले बंदों को निपटाने। मैं भाई गाड़ी उठाने आया था तभी देखो भाई सामने बंदे दिख जाते हैं। अब मैंने भाई सामने वाले बंदे को डैमेज तो दे ही दिया था, तो भाई जल्दी से गाड़ी उठा के आ जाता मैं इसे निपटाने। तो बस देखो अब इस वाली टीम के भाई इधर तो भाई तीन ही बंदे मिलते हैं और चौथा बंदा शायद स्टेडियम में होता। और इस वाले लास्ट वाले बंदे ने भाई फायर करके अपनी लोकेशन तो बताई थी, तो भाई जल्दी से गाड़ी उठा के मैं आ जाता भाई इसे निपटाने। और इस वाले बंदे को भाई ढूंढने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि भाई ये वाला बंदा भाई छत के ऊपर लेटा पड़ा था। तो बस देखो और ये बंदा तो भाई सामने की तरफ ही ध्यान रखा हुआ था, शायद इसको भाई उधर ही बंदे दिख रहे थे, तो भाई इसकी तो पेटी बना दी। तो भाई जल्दी से उठा था गाड़ी अपने टीममेट को बिठा के मैं निकला था और बंदों को ढूंढने, और बंदों को ढूंढते आता भाई फैक्ट्री के साइड, यहाँ पे दिखती है गाड़ी। तो बस देखो उस वाले बंदे की तो भाई गाड़ी फोड़ दी, तो भाई जल्दी से इसकी पेटी में से लोड करने के लिए आ जाता। तभी देखो भाई एक बंदे के फुटप्रिंट आने लगते, बट ये बोट होता। तो चलो भाई इधर तो सारे बंदे हो चुके खत्म, अब बंदे मिलेंगे भाई जोन की तरफ ही, तो भाई पहले भाई जोन में जाना पड़ेगा। तो भाई जल्दी से गाड़ी उठा के मैं आ जाता भाई जोन में। इधर देखो भाई एक खुले में बंदा दिखता है, तो बस देखो और ये बंदा तो भाई इधर अकेला ही मिलता, इसकी पेटी में तो दो हटा दे, और मेरे को लग रहा था इसके टीममेट और भी आसपास में हो सकते हैं। तो भाई जल्दी से पहले गाड़ी चेंज करके मैं आसपास में बंदों को ढूंढता, बट इधर तो भाई जोन में कोई भी बंदा भाई मेरे को नहीं मिल रहा होता। तो मैं जोन के बाहर ढूंढने आ जाता बंदों को, जो से एक बंदा सामने की तरफ फायर भी करता, मैं देख रहा था वो बंदा भाई सामने होगा, बट देखो भाई बंदा किधर से निकल जाता। तो बस देखो इस वाले बंदे पे भाई मैं फायर भी करता, बट भाई बंदे पे एमओ रजिस्टर नहीं होते, और मेरे को लगा था ये भाई अब स्टेडियम में छुपा रहेगा। तो भाई जल्दी से गाड़ी उठा के मैं आ जाता इसे निपटाने। तो बस देखो और ये बंदा तो भाई नॉर्मल प्लेयर निकलता, इसकी तो भाई मैंने पेटी बना दी। अब हमारे अलावा बस एक ही बंदा बच रहा था, और मैं सोच रहा था भाई नॉर्मल प्लेयर ही मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता। बस देखो क्या सीन हो जाता, मैं जा रहा था जोन में। तो बस देखो और ये बंदा तो भाई कौन फी यूजर निकलता भाई गंदा वाला। तो भाई लोग ये आज के गेम प्ले पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भाई करके जरूर जाना। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको नई गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।